नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और प्यारी सी प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। प्यारी सी का मतलब प्यारी सी ही है और बहुत ही प्यारी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो 83 गज के अंदर बनी हुई है, 83 गज के अंदर बनी हुई है और 15x50 के डायमेंशन के साथ में है। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सेमी डुप्लेक्स। प्राइस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। कालवा रोड पर लोकेटेड है। मेन रोड से अगर बात करूँ तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते थे कि हमें 1 किलोमीटर अंदर नहीं जाना है, हमें 500 मीटर अंदर नहीं जाना है। मैं सिर्फ आपके लिए 200 मीटर के डिस्टेंस पर एक प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ, जो सच में बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। प्राइस बहुत अच्छा होने वाला है। प्राइस के लिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए, कितने खूबसूरत तरीके का फ्रंट एलिवेशन है। आपको पूरा ही मकान दिखाऊंगा, किसी प्रकार की कोई भी कंजूसाई यहाँ पर नहीं की गई है। चाहे इंटीरियर की बात करूँ चाहे एक्सटीरियर की बात करूँ, बहुत ही लाजवाब ये मकान बनाया गया है। उससे भी लाजवाब है इसकी प्राइस, जो कि आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर आपको मिल जाता है मेन जो है पॉर्च का एरिया, जहाँ पर आप इजीली अपनी जो है बाइक्स वगैरह इजीली पार्क कर सकते हैं। सामने के साइड में वाटर टैंक प्रोविजन आपको प्रोवाइड कराया गया है, जो कि 5 से 6 हज़ार कैपेसिटी का आपको मिल जाता है। इस साइड में अगर बात करेंगे, यहाँ पर आपको लोबी का स्पेस है, जहाँ पर आप चाहें गमले वगैरह वगैरह लगाना तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। स्टेयर्स आपको बाहर से दी गई है, जो कि आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर साथ ही इसके रूफ पर लेकर के जाती है। टाइल्स देखिए हाइट तक यहाँ पर भी दी गई है। आपने बहुत सारे मकानों में देखा होगा, जैसे ही मकान पुराने होने लगते हैं, पानी का जैसे ही उधर सीलन जमा हो जाता है, हरी हरी काई जैसे जमा हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। यहीं पर 2 स्टेप स्टेयर्स चढ़ करके और विला के अंदर एंट्री होती है। सामने की तरफ देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविजन है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। देखिए सनलाइट वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईस्ट फेसिंग का ये मकान है, पूरे ही वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। 2 डोर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस तरफ देखेंगे वायर मेश डोर आपको अवेलेबल है। इस साइड में देखेंगे डबल पल्लर का ये गेट मिल जाता है, जो कि वुडन के साथ में आपको दिया गया है। ये आ जाता है इसका हॉल। हॉल का साइज काफ़ी अच्छा होने वाला है। सामने की तरफ अगर मैं बात करूँ, जो विंडो यहाँ पर आपको दिया गया है, वुडन का वर्क बहुत ही प्यारा आपको मिल जाता है। इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको देखिए कितना प्यारा सा वर्क मिल रहा है, जो कि यहाँ पर इसके टेक्सचर डिज़ाइन आपको करके दिया गया है। बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो शोकेस आपको बना करके दिया गया है, आपका जो भी डेकोरेटिव आइटम है वो आप इजीली रख सकते हैं। इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कुछ शो पीस के लिए यहाँ पर आपको बॉक्सेस बना करके दिए जा रहे हैं, जो भी डेकोरेटिव आइटम हो वो आप रख सकते हैं। और हॉल के अगर मैं साइज़ की बात करूँ यहाँ पर, तो हॉल का जो साइज़ होने वाला है लगभग 10 फीट का साइज़ होने वाला है। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर LED पैनल आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपकी 32 से 44 इंच तक की LED ईजिली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं पहले आपको दिखा दूँ इसका किचन, जो कि यहाँ पर इसके सामने की तरफ आपको मिल रहा है। पूरी तरीके से मॉड्यूलर किचन आपको आपको दिया गया है। साइज़ की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसके किचन की, तो लगभग 5x8 का साइज़ आपको मिल जाता है। सामने की तरफ में देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविज़न है, एल शेप में किचन है। काउंटर टॉप की अगर बात करूँ तो ग्रेनाइट का वर्क यहाँ पर आपको करके दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे एक डिफरेंट तरीके का आपको फुल सीलिंग का डिज़ाइन है। बॉक्सेस वगैरह प्रॉपर बना करके दिए गए हैं, जिसमें आपका जो भी किचन से रिलेवेंट सामान है इजीली आप रख सकते हैं। सिंक एरिया यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है, बर्तन वगैरह इजीली वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका फ्रिज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है। पीछे की साइड में अगर बात करूँ तो यहाँ पर सामने की तरफ आपको वॉश बेसिन लगाने का एरिया आपको मिल जाता है, जहाँ पर अभी काउंटर और वॉश बेसिन लगा करके आपको दिया जाएगा। लेट और बाथ दोनों ही आपको अलग अलग सेपरेट दिए गए। इधर लेट इधर आपको मिल जाता है, इस साइड में आपको बाथरूम मिल जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर बाथरूम का साइज काफ़ी प्यारा सा आपको दिया गया है। वेंटिलेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। सैनिटरी फिटिंग अभी करके नहीं दी गई है, वो जब भी आप शिफ्ट होंगे तो उससे पहले आपको सैनिटरी फिटिंग करके दे दी जाएगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अभी ये रेड कलर का, तो यहाँ पर अभी पेंट हुआ है और यहाँ पर अभी टेक्सचर डिज़ाइन डल रहा है। इसको हटाएंगे तो ब्रिक्स का डिज़ाइन यहाँ पर आपको रेडी करके दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करना, विजिट करना, कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं बिल्डर के, वहां जाकर के आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्राइस मैं आपको बता दूं, मात्र 26 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी का प्राइस होने वाला है, जो कि यहां पर 83 वर्ग गज में 15x50 के डायमेंशन में है। सामने की तरफ देखेंगे कितना प्यारा सा गोल्डन शेड के साथ में आपको यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे वहां पर जो है वर्क मिल जाता है, जो कि इसकी POP का, साथ ही यहाँ पर जो है फुल सीलिंग का प्यारा सा वर्क आपको दिया गया है। रूम के साइज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10x14 का साइज मिल जाता है। सामने की साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको वार्डरोब बना करके दी गई है, साथ ही यहाँ पर आपको गेट लगना बाकी है, वो आपको लगा करके दिया जाएगा। सामने की तरफ इस तरफ देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविजन है, जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। ये आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया, जो कि यहाँ पर आपको 2.5 फीट की साइज के साथ में दिया गया है। आप चाहें यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगा करके अपने कपड़े वगैरह वॉश करना, तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। ऊपर देखेंगे वहाँ से आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर के साइड में एक रूम बना करके दिया गया है, लेकिन पहले मैं आपको उसका फ्रंट रूम दिखाऊंगा, फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर और वहाँ से दिखाऊंगा कि इस तरीके का ये बना हुआ है। तो आ जाइए हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम की ओर, जो कि इसके फ्रंट साइड में है। रूम के साइज़ की अगर मैं बात करूँ
सात बाय और लगभग आपको 14-15 का साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। सामने की तरफ अगर बात करूँ तो यहाँ पर बड़ी सी विंडो का प्रोविजन, वहाँ पर आपको वायर मेश डोर दिया गया है, वुडन का काफी अच्छा डोर यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि फुल पाइन के साथ में है। यहाँ पर सामने की साइड में भी टेक्सचर डिजाइन करके दिया जाएगा। इस रूम के साथ में भी आपको देखिए यहाँ पर वार्डरोब मिल जाती है, ऊपर की तरफ देखेंगे वहाँ पर पीओपी का वर्क है, साथ ही वहाँ पर भी आपको फुल सीलिंग का डिजाइन दिया गया है। सामने की तरफ इस तरफ देख रहे हैं यहाँ पर लकड़ी के बॉक्सेस बना करके दिए गए हैं, जहाँ पर आपका जो भी डेकोरेटिव आइटम हो वो आप इजीली यहाँ पर आप रख सकते हैं और अपने हॉल की और अपने रूम की खूबसूरती को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। प्राइस मात्र और मात्र होने वाला है इसका 26 लाख रुपये। चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करना तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर जो है मैंने बिल्डर के डायरेक्टली दे दिए हैं, वहाँ जा करके आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बैकडेट के पट्टे होने वाले हैं तो ईजिली आपको लोन जो होगा यहाँ पर बहुत ही कम ब्याज दर पर हो जाएगा और 90% आपका लोन हो जाएगा। सामने की तरफ देख लीजिए फिक्स्ड ग्लास के साथ में इसे कवर किया गया है जो कि इसकी फ्रंट एलिवेशन की खूबसूरती को और ज़्यादा इनहेंस करता है। स्टेयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको ग्रेनाइट का वर्क करके दिया गया है, एसएस की रेलिंग है, साथ ही इधर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप चाहें सर्दियों के समय जो कि कूलर आपका काम नहीं आता है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में भी आपको प्रॉपर फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है टाइल्स वर्क करके दिया गया है, ये कटआउट का स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये आ जाता है इसका कॉमन बाथरूम, इस साइड में आता है ये इसका थर्ड बेडरूम। बेडरूम का जो साइज है यहाँ पर फिर से वही 9x14-15 का साइज मिल जाता है। सामने की तरफ में देखेंगे यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन है, ऊपर की तरफ में पीओपी का वर्क है, साथ ही आपको फैन लगा करके दिया गया है। इस तरफ देखेंगे बड़ी सी विंडो का प्रोविजन आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको वार्डरोब बना करके दी गई है, यानी कि तीनों ही रूम्स के साथ में आपको वार्डरोब मिल रही है जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है जो लगभग 3 फीट की बालकनी का साइज़ आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे टफन ग्लास मिल जाता है जो कि देखिए कितने प्यारे सेल्फ डिजाइन के साथ में है। साथ ही इस तरफ देख रहे हैं एसएस की रेलिंग आपको मिल जाती है, पूरा एरिया ऑक्यूपाइड होने वाला है यानी कि पूरी बसावट यहाँ पर आपको मिल जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई है ये 83 गज के अंदर बनी हुई है और 15x50 का होने वाला है इसका डायमेंशन। मेन रोड से बात करूँ तो 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, बैकडेट के पट्टे हैं सोसाइटी के तो ईजिली आपका 90% लोन हो जाएगा और सब्सिडी की अगर बात करूँ तो सब्सिडी भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है जो कि 2,67,000 रुपये की गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली है। देखिए प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ 26 लाख रुपये है, कालवा रोड के ऊपर लोकेटेड है। तो कैसी लगी ये प्रॉपर्टी प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।